आज मैं कुछ ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ जो आपके घर में डेफिनेटली 99% लोगों के घर में नहीं रहेगा, 1% लोगों के घर में अगर रहेगा तो वो इजिली समझ जाएंगे। तो वीडियो 2 मिनट टाइम निकाल के वीडियो को थोड़ा सा देख लो और क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा है आपके घर के लिए। इस दिवाली में कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स लाया हूँ आपके घर के लिए कि जो आपके एक बार इसको परचेस कर लिया इसका 20 से 25 साल के लिए लाइफ रहता है, 20 से 25 साल इजिली हो सकता है। एंड सेकेंड चीज़ आपका इसमें घर के लिए गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी, मक्का वगैरह जो भी ग्रेन्स रहता है वो इजिली ग्राइंडिंग हो जाता है। मैं नॉर्मली स्मॉल आपको डेमो दे देता हूँ, उसके बाद हम ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करके देखेंगे। तो मैं पहले मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन कर दूँ। सर ये है आटा चक्की जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जैसा कि अभी आप गए हो बड़े बड़े पत्थर वाली आटा चक्की पे, अभी आपको पत्थर वाली आटा चक्की पे जाने का जरूरत ही नहीं, इजिली घर पे रख के जस्ट लाइक ऑल मटेरियल गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी, मक्का, बेसन, अभी हमने कुछ यहाँ ग्रेन्स रखा भी है उसको ग्राइंडिंग भी करके देखने वाले। ये है हमारा 1 HP फुल्ली ऑटोमेटिक घर के यूज के लिए आटा चक्की आ जाता है, जिसको बोलते हैं घर घंटी या तो स्मॉल आटा चक्की भी बोल सकते हैं। ओके, इसका एक्सेसरीज को हम साइड में रखते हैं। ओके, डायरेक्ट मशीन्स के बारे में आते हैं। यहाँ पे टोटली आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया रहता है किस तरह से क्या ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करना है, किस तरह से आपको यूज करना है। इसमें इजिली आपको क्लीनिंग करने के लिए एक ब्रश, कॉटन बैग, व्हील सेट एंड 6 टाइप्स के ऑफ ब्लेड आ जाते हैं। इसमें 6 टाइप के ब्लेड जो दिए रहते हैं अलग अलग मटेरियल ग्राइंडिंग करने के लिए दिया रहता है। जस्ट लाइक इसमें आपको दलिया बनाना है, फिर जैसा जैसा आपको मटेरियल को थिकनेस ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से आपको ब्लेड चेंज करना है। थिकनेस बारीक चाहिए तो आपको 1 नंबर 2 नंबर, इसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर जो रेगुलर जाली रहेगी, इसमें गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी, आटा, ऑल ग्रेन्स इजिली ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसको भी हम साइड कर देते। इसके बाद हमारा होपर कैपेसिटी आ जाता है, इसके अंदर 5 kg तक मटेरियल इनपुट कर सकते हैं, जस्ट लाइक गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी, ऑल ग्रेन्स कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको डोर को ओपन करेंगे इजिली। और हमारे मशीन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं, 5-स्टार रेटिंग मोटर आ जाता है, पावर सेविंग मोटर एंड ISO+ ISI सर्टिफाइड के साथ आ जाता है। उसके बाद हमारा जस्ट लाइक अभी चैम्बर ओपन किया, डोर ओपन किया, स्पेशली प्लाईवुड में बनाया है एंड यहाँ पे सेफ्टी लॉक दिया है। जस्ट लाइक अगर मशीन ऑन में कोई बच्चा यहाँ पे ओपन कर देगा तो मशीन टोटली ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ओके, और बाजरी ज्वारी के लिए अलग स्विच ऑपरेट करना रहता है। यहाँ पे हमारा LED सिस्टम आ जाता है, जब आप मशीन को ओपन करेंगे मशीन स्टार्टिंग में LED सिस्टम वर्क करेगा। और उसके बाद हमने ऑलरेडी एक डेमो करके देखा था, एक कस्टमर को बताया था, स्टेनलेस स्टील ग्राइंडिंग चैम्बर आ जाएगा एंड कटर्स आ जाएगा। ये हमारा आटा स्टोरेज कंटेनर कैपेसिटी है एंड 5 साइड में स्टेनलेस स्टील बॉडी आ जाता है। तो अभी हम इसको डेमो करके देखते हैं। ओके, ये है टोटली मशीन का इंट्रोडक्शन, अभी इसको ग्रेन करके ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अब आपको तो पता है जो जिसने भी यूज़ किया इजिली इसमें गेहूं, चावल, ज्वारी, बाजरी, आटा बहुत इजी है ग्राइंडिंग करना। हमारे पास कुछ ग्रेन्स है इसको ग्राइंडिंग करके देखने वाला है। गेहूं, चावल, ज्वारी, बाजरी इजिली हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ कस्टमर के रिक्वायरमेंट थे मक्का तो ये नहीं है, ज्वारी है, इसको ज्वारी को ग्राइंडिंग करेंगे। इसके बाद हमारा ज्वारी के बाद मिक्सिंग में आ जाता है नाचनी एंड राइस, इसको भी मिक्स करके देखेंगे और हमारा स्पेशली नाचनी आ जाता है। यहाँ पे टोटली ये तीनों ग्रेन्स को एक ही में मैं मिक्स करके ग्राइंडिंग करने वाला हूँ। ओके, बाकी मटेरियल तो आपका इजीली हो जाता है, गेहूं, चावल, ज्वारी, बाजरी वगैरह इजीली हो जाता है। ग्रेन को अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए काफ़ी इजी है, यहाँ पे 2 नंबर की जाली सिलेक्ट करना है, इसमें ऑल मटेरियल ग्राइंडिंग हो जाता है। जाली को इस तरह से यहाँ पे सेट करना है, जैसा यहाँ पे इस तरह से, चाहे इस साइड से करिए चाहे इस साइड से, इजीली दोनों तरफ जैसा आप स्नैप करेंगे चैम्बर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज कंटेनर कैपेसिटी आ जाता है, ये 5 kg का स्टोरेज कंटेनर कैपेसिटी है। साइड में क्लीनिंग के लिए स्टील बॉडी दिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी ग्रेन्स नहीं है। ओके, अभी हम इसको नॉर्मली 4 साइड से लॉक करेंगे। ओके, 4 साइड से लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से कॉटन बैग को इजीली स्टिक कर देना है प्रॉपरली। उसके बाद इसको जैसा हम प्लग करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको डोर लाइट यहाँ पे ऑपरेटिंग इजिली करने दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे इसके बाद डोर क्लोज करेंगे। डोर क्लोज करने के बाद एक अलर्ट म्यूजिक आता है कि मशीन रेडी हो गया स्टार्ट होने के लिए। जस्ट लाइक अभी हम कोई सा भी ग्रेन डालेंगे, इसके अंदर ग्रेन डालेंगे, ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो जाएगी। एक ग्रेन डालते ही अब हमारा जो मशीन है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे मिक्सिंग में ग्रेन डाल सकते हैं। ओके, नाचनी जैसा मैं आपको बोला था, ये नाचनी हो गया इजिली। ओके, यहाँ पे ग्रेन्स में, और इसके बाद ये नाचनी प्लस चावल मिक्स है, इजिली ये ग्रेन्स ग्राइंडिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डेमो के लिए नॉर्मली बेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम डेमो के लिए डाल रहे हैं, इजिली यहाँ पे मिक्सिंग करके इजिली कोई सा भी ग्रेन डाल सकते हैं आप।
अभी इसके बाद जस्ट लाइक मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट रहेगी, अभी ये मटेरियल खत्म होते हैं ऑटोमेटिक मशीन ऑफ भी हो जाती है 2 से 3 मिनट के बाद। अभी इसके बाद अगर जैसा बीच में कोई बच्चे ने डोर ओपन किया तो मशीन ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो जाएगी इस तरह से। और इसके बाद हम ग्रेन्स को चेक कर सकते हैं आटे को। नॉर्मली हमको जैसा तो यहाँ पे ग्रेन्स चेक करते यहाँ पे देख सकते एकदम फाइन पाउडर के जैसा हो गया, इजिली चपाती के लिए एंड सो जो भी मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हो उसके बाद। इसके बाद अगर इससे और थोड़ा रफ आटा आपको चाहिए तो आपको प्लेट्स चेंज करते जाना है, जैसा जैसा आपको आटा चाहिए जाड़ा उसके हिसाब से आपको प्लेट्स चेंज करना है। मशीन को ऑपरेटिंग करना बहुत ईजी है अगर आप इजिली मशीन परचेस करना चाहते हैं। ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था स्पेशली नागपुर के पर्पस के लोगों का था, क्योंकि यहाँ पे नागपुर के लोगों को पता ही नहीं है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये वीडियो जाता है बट हमारा नागपुर के इस पे ये रन करने के लिए था कि आप प्लीज़ स्टोर पे विजिट करो, लाइव डेमो देखो, उसके बाद आप मशीन परचेस करो। एंड सेकेंड चीज़, हमारा जो स्टोर है नागपुर में है, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर साइड में, बाकी सभी हमारे जगह पे डीलर है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप कॉल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। एंड कुछ भी डाउट्स है कि मशीन के रिलेटेड क्या है, कैसा है, बॉडी कैसा है, इसका प्लाईवुड बॉडी है, आपको मशीन के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए, कैसा परचेस करना है, तो आप हमारे नॉर्मली कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए और हमारी टीम आपको गाइड करेगी। अगर आप हमारे नियर बाय स्टोर पे विजिट कर सकते हैं तो बेस्ट है, आप स्टोर पे आके विजिट करके अपना मशीन परचेस कर सकते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बेसिक तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कॉल कर सकते हैं बहुत सारा है ना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता, कॉल पे भी नहीं समझ आता तो हमारे नियर बाय सेंटर में आप जाइए, ईजिली आपको वहाँ पे गाइड एंड ट्रेनिंग दिया जाएगा और हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं। आपको जैसा भी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स रहेगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ओनली फॉर नागपुर व्यूअर्स के लिए। ये इसमें टारगेटेड कर रहा हूँ मैं नागपुर व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हमने एक एग्जीबिशन में गए थे तो हमारा वहाँ पे बहुत सारा तो लोग मिनी फ्रिज बोल रहे थे, तो मैं इसलिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ नागपुर के पब्लिक के लिए, बाकी लोगों को तो ईजिली पता है। प्लीज़ शेयर वीडियो। ओके, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।